दोस्तों, ये जानवर ओमनीवोरस है, जिसका मतलब ये है कि वो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल नेचर स्वीट टेल्स पे एक और इंटरेस्टिंग यूनिक एनिमल के फैक्ट्स के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये प्यारा सा जानवर और कोई नहीं बल्कि हेजहॉग है। जिसका साइंटिफिक नेम एरिनोसियस यूरोपियस है। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका से ताल्लुक रखता है। वो अपनी मुनफरिद शक्ल, और रात में जागने वाले जानवरों में शामिल है। दोस्तों, यहाँ हेजहॉग के बारे में कुछ तफसीली मालूमात और दिलचस्प हकायक आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, हेजहॉग जिस्मानी सूरत के लिहाज से एक गोल चिपटे जिस्म का होता है, जो मुख्तसर तेज रीढ़ की हड्डियों से ढका होता है, जो इन्हें शिकारियों से बचाता है। इनकी रीढ़ की हड्डी कैराटिन से बनी होती है, वही मवाद जो इंसानी बाल और नाखून बनाता है। इनका एक छोटा सर है, नोकदार थूथनी और छोटे कान होते हैं, और इनकी बनाई खास तौर पर अच्छी नहीं होती। इनकी मजबूत टांगे और पंजे होते हैं, जो इन्हें खोदने, चढ़ने और तेजी से चलने में मदद देते हैं। हेजहॉग मुख्तलिफ रंगों में होते हैं, बशमूल भूरे, स्याह और सफ़ेद। खुराक के लिहाज से ये ओमनीवोरस हेजहॉग हैं, जिसका मतलब ये है कि वो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। इनकी खुराक बुनियादी तौर पर कीड़े मकोड़ों पर मुश्तमिल होती है। जैसे कैटरपिलर और केंचू, लेकिन वो फल, बेर और छोटे जानवर जैसे चूहे और मेंढक भी खाते हैं। इनमें सूंघने का शदीद एहसास होता है, जो इन्हें खुराक तलाश करने में मदद करता है, और इनके तेज दांत इन्हें सख्त खोल वाले कीड़ों को कुचलने में मदद देते हैं। हेजहॉग मुख्तलिफ रहायशगाहों में पाए जाते हैं, बशमूल बाहर, पार्क्स, जंगलात और खेत, जो इन्हें खुली जगह और पनागा फराहम करते हैं। हेजहॉग ज़्यादातर रात में जागते हैं और दिन को पत्तों और घास से बने घोंसलों में पोशीदा जगह पर सोते हैं। हेजहॉग साल में एक बार अफजाइशे नस्ल करते हैं, आमतौर पर मौसमी बहार या गर्मियों में। माँ शिकारियों से अपने जवान होने तक बच्चों को भरपूर दिफा फराहम करती है। हेजहॉग एक पुरकशिश और मुनफरिद जानवर है, जिसकी ज़ाहरी शक्ल और रात में जागने की आदत है। वो अपने माहौलियाती निज़ाम के अहम रुकन है, और इनकी आबादियों के तहफ़ुज़ और इनके मस्कन को महफूज रखने के लिए हर तरह से कोशिशें जारी हैं। हेजहॉग फिलहाल खतरे से दोचार नहीं है, लेकिन रहाइश के नुकसान, सड़कों पर ट्रैफिक और दीगर खतरात की वजह से इनकी आबादी कुछ इलाकों में कम हो रही है। हेजहॉग इनके माहौलियाती निज़ाम का
एक अहम हिस्सा है और वो कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हेजहॉग की मदद के लिए कई इकदाम किए जा सकते हैं, जैसे इनके लिए दोस्ताना बागात को खुराक, पानी और पनागा तक रसाई फराहम करना और कीड़े मार अदवायात और केमिकल्स के इस्तेमाल को ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इंटरेस्टिंग मालूमात आपको पसंद आई है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दिलचस्प जानवर की दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।